साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कितना भी रोक लीजिए पुष्पदंत जी, किंतु भक्त श्रीधर और माता वैष्णो देवी की कथा सुनते सुनते अधिक देर तक नहीं रुक सकेंगे आप। माता का जयकारा अवश्य करेंगे। रुको, माता का हृदय बहुत विशाल है, वो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए अब तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। हाँ, माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जाइए प्रसाद बाटी। एक सेविक के ग्रह से आप प्रसाद? अवश्य ग्रहण करूंगी, ये तो मैंने स्वामी के लिए बचा कर रखा है। उन्हें माता रानी के आशीर्वाद और प्रसाद से वंचित कैसे रख सकती हूँ मैं? अब आप मेरा प्रसाद दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु बात ही ऐसी है, महारानी ने एक नहीं बल्कि दो दो मर्यादाएं भंग की हैं। एक तो सेविका के घर पे आ गई और अब यहाँ पर भोजन भी ग्रहण कर रही हैं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं बहन, किंतु अब मुझे जाना होगा। किंतु महाराज को पता चल गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो बहन, मैं स्वयं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जय माता रानी की। जाग रहे हैं? महारानी तारा, रात में कहाँ गई थी आप? और वो आपकी पल्लू में क्या बंधा है? माता रानी का प्रसाद। आपके लिए। प्रसाद जो सेविका के घर से लाई है आप, वचन दिया था आपने मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित मेरे परिवार और राज्य की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे आप। जो मैंने किया उसका कोई कारण है महाराज, आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। महाराज, मैंने अपना वचन निभाया। आपने मंदिर का निर्माण करने को बोला था, वो मैंने किया, किंतु आप? मेरी बात तो सुनिए स्वामी। क्या सुनूं मैं? क्या समझाएंगी आप मुझे? मुझसे छिपकर, राजभवन से दूर होकर किस मर्यादा का पालन किया है आपने? पालन किया है स्वामी, धर्म की मर्यादा का पालन किया है, भक्ति की मर्यादा का पालन किया है। मैं एक सेविका के घर नहीं, माता रानी के भक्त के घर गई थी, और उनकी दृष्टि में सब एक ही समान है। माता रानी किसी से भेदभाव नहीं करती,
माता रानी के जगराते का भाग बनना तो सौभाग्य है, पावन है, प्रत्येक मर्यादा से कहीं बड़ा है। मुझे बताया बिना छिपते छिपाते जाना भी? मैंने आपको वचन दिया था स्वामी, आपको आपकी मर्यादा के विरुद्ध कभी जाने के लिए नहीं कहूंगी। इसलिए मैंने आपसे अनुमति नहीं मांगी ताकि आपको दुविधा ना हो, और यदि मैं आपसे कुछ कहती तो आप मना ही करते ना, वो अपमान होता माता रानी का, जो किसी भी मर्यादा के भंग होने से कई अधिक बुरा होता। आप सदा इनका नाम स्मरण करती है, इनकी पूजा करती है, लेकिन आज इन्हीं के नाम पे आपने अपनी मर्यादाओं की चिंता भी नहीं की। बताइए क्या परिचय है इनकी? कौन है माता आदि शक्ति? उनमें क्यों विश्वास करूं मैं? उनके अस्तित्व का, उनकी महिमा का आभास करवा सकती हैं आप? यदि हाँ, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है बाहर जाके मैं सबको बताऊंगा, सबसे कहूंगा मैं। क्या बताओगे आप सबको? मैं सभी को यह बताऊंगा कि आज का जगराता अद्भुत जगराता था। साक्षात माता रानी का आशीर्वाद है आप पर। तो आज जो मुझे आपने पूजा करने का अवसर दिया उसके लिए अनेकों धन्यवाद। आज पूजा करके यहां जो संतुष्टि मिली है वो इससे पहले कहीं नहीं मिली थी। आज के बाद कोई भी पंडित किसी भी निर्धन व्यक्ति के घर पूजा करने के लिए मना या संकोच नहीं करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। हे माँ, मेरी बहन तारा पर भी अपनी कृपा कीजिए। उनकी भक्ति के फल स्वरूप महाराज हरिश्चंद्र को आपकी महिमा समझने की शक्ति दीजिए। यदि आप यही चाहते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता रानी मेरी भक्ति को निराश नहीं होने देंगी, स्वयं आपको अपने होने का आभास करवाएंगी। माता आदिशक्ति ही समस्त संसार को जन्म देने वाली है, जगत जननी है। धर्म की स्थापना के लिए वही सृष्टि का पालन करती है और उन्हीं की इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए प्रलय भी होता है। वही माता लक्ष्मी है, वही माता पार्वती है और वही माता सरस्वती भी है। इन दीपों में जो ज्वाला है, जो ज्योति है, वो भी माँ ही है। मंद मुस्कुराहट वाली माता गौरी भी वही है, तो शेरों वाली माता दुर्गा भी वही है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी की जय। जय माता रानी की जय। स्वामी, माता रानी के प्रत्येक स्वरूप में एक समानता है, सभी भक्तों के लिए उनकी ममता और उनके प्रसाद में सदैव भक्तों के लिए आशीर्वाद है, फिर चाहे वो राजा के भवन से आया हो या फिर रंग की कुटिया से। अब
आप पर संदेह कर भूल हुई मुझसे। आपने मुझे माता रानी की शक्ति, उनकी महिमा का आभास करवाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। किंतु अब मैं तन मन धन से माता के साक्षात दर्शन करने का इच्छुक हूं। माता रानी के दर्शन की ऐसी लालसा उठ रही है मेरे हृदय में, उसे शांत करने के लिए क्या उपाय? भक्ति, तप, पूजा, त्याग, इन्हीं से माता के दर्शन संभव है। कैसा त्याग? मैं तो सदा त्याग करने को तत्पर रहता हूं। हे माता, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाने के लिए मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। हे माता, ये मेरा प्रण है। मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है। ये मेरा प्रण है। ये कैसा वचन दे दिया आपने स्वामी? और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ है? इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने अति उत्साह में अपने पुत्र का त्याग करने का ही वचन दे दिया। फिर क्या हुआ गणेश जी? क्या महाराज हरिश्चंद्र ने माता के दर्शन के लिए अपने प्रण निभाए? प्रण निभाया भी और माता से उनके आशीर्वाद के साथ एक बड़ी सीख भी पाई। मैंने अपना प्रण पूर्ण किया है। एक पिता के लिए जो असंभव है वो संभव कर दिया। अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कर दिया मैंने। आपके सामने जो प्रण लिया था मैंने, उसके लिए इस माँ को अपनी ममता से, अपने पुत्र से वंचित किया है मैंने। मेरा ये त्याग आपको समर्पित है। मेरा ये त्याग व्यर्थ ना होने देना। मेरे ये नैन आपके दर्शन के लिए व्याकुल है मां। कृपा कीजिए मां, दया कीजिए। अब बस एक ही अंतिम इच्छा है मेरी, आपका दर्शन मिल जाए और मैं सदा के लिए अपने पुत्र के पास चला जाऊं। दया कीजिए मां, कृपा कीजिए मां। पुत्र,
आपने मेरा पुत्र लौटा दिया। आपके कृपा पाके मैं धन्य हो गया माँ। अद्भुत है आपकी लीला माता, अद्भुत है आपकी लीला। मेरा आंचल सूना होने से बचाने के लिए, मेरा पुत्र मुझे लौटाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माँ आपकी लीला अपरंपार है, देवता भी आपकी महिमा गान करने में असमर्थ होते हैं, तो मैं भला क्या कहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि आप हम सब की माँ है, आप जगत जननी है। बोल साचे दरबार की जय। वत्स हरिश्चंद्र ऐसा दिया जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए उसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। इसलिए आज से तुम्हें संसार सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। किसी भी प्रकार का वचन देने से पूर्व पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए, अन्यथा स्वयं की ही हानि हो सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।